दिन भर की मुख्य मुख्य खबरों के साथ हाजिर हूं आपका साथी जयकरण चारण। 28 को बीकानेर आएंगे केंद्रीय मंत्री गडकरी, करेंगे बड़ी घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा केंद्रीय श्रम रोजगार एवं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार 28 जनवरी को बीकानेर आएंगे। वे यहां सुबह करीब 11 बजे बीकानेर पहुंचेंगे, तत्पश्चात पॉलिटेक्निक कॉलेज में भावना ट्रस्ट के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके बाद दोपहर 12 से 1 बजे के बीच कंप्यूटर के माध्यम से केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत श्री गंगानगर और बीकानेर जिले के हिस्से में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। साथ ही गडकरी बीकानेर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर बीकानेर से सांकला फांटा तक फोर लेन तथा आगे बाग टू लेन सड़क निर्माण का उद्घाटन करेंगे। नोखा में बड़ा सड़क हादसा, 4 जनों की दर्दनाक मौत, चारों मृतक बीकानेर के। बीती रात्रि को बीकानेर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 जनों की दर्दनाक मौत हो गई, चारों मृतक बीकानेर के हैं। यह हादसा रात्रि को 12 बजे नोखा से निकलते नागौर रोड पर हुआ, जहां सड़क पर खड़े ट्रोले में स्विफ्ट कार पीछे से जा घुसी, जिससे स्विफ्ट कार में सवार चारों जनों की मौके पर ही मौत हो गई। नोखा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चारों मृतक बीकानेर के हैं, जिनमें मुक्ता प्रसाद निवासी परमजीत पुत्र बोर्ड सिंह, सर्वोदय बस्ती निवासी जावेद पुत्र मुमताज, सर्वोदय बस्ती निवासी इमरान पुत्र अनवर अली, मुक्ता प्रसाद 2 नंबर टैक्सी स्टैंड निवासी शोभित पुत्र हरदीप पंजाबी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह हादसा बीती रात करीब 12 बजे नोखा से निकलते नोखा वे चरकड़ा के बीच हुआ, जहां सड़क पर खड़े एक ट्रोले के पीछे से स्विफ्ट कार जा घुसी, जिससे कार में सवार चारों की मौके पर हो गई मौत। पुलिस के अनुसार मृतक बीकानेर से नागौर जा रहे थे, पुलिस मौके पर पहुंची तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नोखा मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बीकानेर पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ एक को दबोचा। छत्तरगढ़ पुलिस ने नशीली गोलियों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही SHO संदीप पूनिया के नेतृत्व में रात्रि गश्त के दौरान की गई, जहां 3 APS अनूपगढ़ निवासी सेवाराम पुत्र त्रिलोक राम मेघवाल, जो कि बाइक पर कार्टून में 2720 ट्रामाडोल टेबलेट्स लिए जा रहा था, पुलिस को शक हुआ तो बाइक सवार सेवाराम को रुकवाया तो वह हड़बड़ा गया और डर के मारे बाइक छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को दबोच लिया, जहां आरोपी के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस अनुसंधान की जांच खाजूवाला SHO कर रहे हैं। मोदी ने कहा, महागठबंधन मेरे खिलाफ नहीं, भारत की जनता के खिलाफ। मोदी ने LNT का आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स देश को सौंपा, यहां 100 होविचर तोप बनेगी। मोदी ने सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में 189 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। यहां पश्चिमी बंगाल में चल रही ममता बनर्जी की यूनाइटेड इंडिया रैली पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि महागठबंधन मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि देश की जनता के खिलाफ है। राफेल मुद्दे पर अगर सफाई नहीं देंगे तो जनता कहेगी चौकीदार चोर है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाने के लिए शनिवार को कोलकाता में महारैली की। इसमें कांग्रेस, बसपा, राकापा, राजद समेत 15 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वे राफेल मुद्दे पर सफाई नहीं देंगे तो जनता कहेगी चौकीदार चोर है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा, अखिलेश यादव, आप उत्तर प्रदेश से भाजपा को जीरो कर दो, हम बंगाल से कर देंगे। भाजपा फिर सत्ता में आई तो शाह मोदी हिटलर के समान करेंगे काम, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिटलर से तुलना की है। केजरीवाल ने कहा कि अगर 2019 में भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एडोल्फ हिटलर के समान काम करेंगे। केजरीवाल ने शनिवार को लोगों से केंद्र में खतरनाक भाजपा सरकार को किसी भी कीमत पर हराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश गंभीर संकट के दोराहे पर है। लोकपाल और लोकायुक्त की मांग को लेकर 30 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे अन्ना हजारे। वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे 30 जनवरी से एक बार फिर लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वे अपने गांव रालेगंज सिद्धी में ये अनशन शुरू करेंगे। हाल ही में हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर लोकायुक्त नियुक्त करने की मांग की थी।
राजस्थान में महिलाओं के लिए कॉलेज शिक्षा होगी निशुल्क। राजस्थान में कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए कॉलेज शिक्षा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल सरकारी कॉलेजों में महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन विकास शुल्क और लाइब्रेरी शुल्क जैसे कुछ छोटे शुल्क लिए जाते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि सरकार महिला शिक्षा को अधिकाधिक बढ़ावा देना चाहती है। निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 252 सरकारी महाविद्यालयों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अगले चरण में इसे विश्वविद्यालयों स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार से पहले लाएगी राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव। राजस्थान की कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव लाएगी। सरकार ने कैबिनेट बैठक में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय किया है। गहलोत ने पत्रकारों से कहा कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं की राजनीति में सक्रियता बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण का मुद्दा बहुत पहले उठाया था। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर पहली बार नौखा की पावन धरा पर पधार रहे हमारे लाडले और सभी युवाओं के दिलों में बसने वाले अजीज मित्र महेंद्र सिंह भलूरी, जो रावली तो भलूरी के नाम से जाने जाते हैं, उनका कल 11 बजे नौखा में स्वागत एवं अभिनंदन रखा गया है। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर कर्मचारियों की संयुक्त बैठक नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 28 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे कर्मचारी। NMOPS के नोखा संयोजक कानाराम ने बताया कि दिल्ली के धरने में अधिक से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बैठक कल रविवार को दोपहर 1 बजे पब्लिक पार्क नोखा में होगी। फिर से गुर्जर आंदोलन की आग सुलगने लगी। गहलोत सरकार को मिला अल्टीमेटम। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग सुलगने लगी है। गुर्जरों ने 20 दिन के अंदर आरक्षण के लिए आंदोलन करने की चेतावनी गहलोत सरकार को दी है। इन 20 दिनों के भीतर राजस्थान में गुर्जरों की 4 जगह पर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा के साथ माहौल बनाने का प्रयास गुर्जर समाज करने जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। दूसरी बार विधानसभा स्थगित। कटारिया ने कहा कि सदन के नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन को यह बताएं कि कितने किसानों को इससे फायदा पहुंचा और कितने किसानों के खाते में कितना पैसा जमा कराया गया। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने इस प्रकार का लंगड़ा आदेश जारी कर किसानों को भ्रमित किया है। सरकार ये साफ करे कि कर्ज माफी की घोषणा के तकरीबन 1 महीना गुजर जाने के बाद किसानों के खाते में कितना पैसा पहुंचा। नोखा से प्रयागराज कुंभ मेला के लिए 2 फरवरी सुबह 10:15 पर शर्मा ट्रेवल्स रेलवे स्टेशन के सामने नोखा से रवाना होगी, जो शाही स्नान सोमवती अमावस्या 4 फरवरी को करवाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण रिटेल के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षक वरुण पारी के निर्देशन में हीराबाई गट्टाणी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नोखा की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं ने जोशी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नोखा के शोरूम में जानकारियां ली। रिटेल वर्ग की छात्राओं ने नवीन डिजाइन के फर्नीचर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बेचने की कला प्रतिष्ठान के प्रमुख मोहित जोशी से सीखी, साथ ही भुगतान संबंधी मशीनी प्रक्रिया को भी जाना। ये थी आज दिन भर की देश और दुनिया की ताजा तरीन और मुख्य मुख्य खबरें। कल इसी समय इसी चैनल पर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।